नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आप भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तस्वीर को देखेंगे तो आपको इंदिरा के सिर पर दो रंग के बाल दिखेंगे, सफेद और काले। तस्वीर में आपको इंदिरा के सिर के एक हिस्से पर सफेद रंग के बाल दिखेंगे तो दूसरे हिस्से पर काले रंग के बाल दिखाई देंगे, जबकि ऐसा कम लोगों के साथ ही होता है। इंदिरा की ये हेयर स्टाइल काफी पॉपुलर थी, लेकिन इस बात की चर्चा हमेशा होती रही कि क्या वक्त के साथ साथ इंदिरा के बाल ऐसे हो गए थे या फिर किसी हेयर ड्रेसर ने उनके बाल डिजाइन किए थे। तो आज हम आपको अपनी इस स्टोरी में बताएंगे कि इंदिरा के सिर पर दो रंग के बालों का क्या राज था। तो सुनिए, 1960 के दशक में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तब उनके पूरे बाल काले थे। उसके बाद 70 के दशक में उनके बालों के बीच कुछ लटे सफेद हो गई थी, जो बहुत आकर्षक लगती थी। लेकिन 80 का दशक आते आते इंदिरा के बालों की सफेदी बढ़ने लगी। हालांकि वक्त के साथ साथ बालों की ये सफेदी कुछ यूं बदली कि उनके सिर के एक ओर से बाल सफेद या हल्के ग्रे दिखने लगे और दूसरी ओर से काले, जिसके बाद ये सवाल अक्सर सियासी गलियारों में भी उत्सुकता के साथ पूछा जाता था। कई बार इंदिरा से ये सवाल इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जाता, लेकिन वो अक्सर मुस्कुराकर इसे टाल देती थी। इंदिरा ने तो इस राज को कभी नहीं खोला, लेकिन इस राज को कई साल पहले देश के जाने माने हेयर ड्रेसर हबीब अहमद ने खोला। हबीब ने एक अखबार से बातचीत करते हुए बताया कि इंदिरा के 99% बाल ग्रे थे, लेकिन सिर के बालों का कुछ हिस्सा छोड़कर वो बाकी बालों को काले रंग में डाई करती थी। पहली बार उन्होंने ऐसा फ्रांस में कराया, फिर देश में ये जिम्मा हेयर ड्रेसर हबीब को मिला। वो बेहतरीन हेयर ड्रेसर थे और देश के जाने माने जावेद हबीब के पिता। बाद में हबीब ने देश में अपना हेयर ड्रेसिंग का बड़ा एम्पायर भी फैलाया। हबीब ने बताया कि इंदिरा कई बार तो दो हफ्ते में एक बार बालों का टचअप कराती ही थी, हालांकि कई बार उससे जल्दी भी। ये क्रम 1984 में उनकी हत्या तक जारी रहा। हबीब ने बताया कि उनके बाल कर्ली थे, इसलिए ये स्टाइल उन पर खूब फबता था। हालांकि हबीब बताते हैं कि इंदिरा ने पहली बार ये हेयर स्टाइल फ्रांस में कराई थी। जब इंदिरा गांधी फ्रांस में पहली बार खास तरीके से अपने बालों को स्टाइल कराकर लौटी तो उन्हें भारत में एक खास हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत थी जो उसे बरकरार रख पाए। उसके लिए उन्होंने हबीब को चुना। दरअसल हबीब अहमद का परिवार पहले से ही बड़े बड़े नेताओं के बालों को स्टाइल देता रहा है। हबीब अहमद के पिता जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के निजी हेयर स्टाइलिस्ट थे। इसी के चलते इंदिरा उन्हें लंबे समय से जानती थी। इसी वजह से इंदिरा ने अपने बालों के लिए हबीब को चुना। तो दोस्तों, आपको इंदिरा गांधी से जुड़ी ये रोचक जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।